दो चीज झारखंड में जो झारखंड को विकसित करेगा, जो झारखंड को आगे लेके जाएगा, वो शिक्षा है और वो स्वास्थ्य है। पिताजी हमारे आजसू पार्टी से विधायक रह चुके थे और जब से पिताजी आजसू पार्टी से जुड़े हैं उस वक्त से मैं भी आजसू पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और वर्तमान में मैं अपना सेंट्रल कमेटी का आजसू पार्टी में सदस्य भी हूँ। और मैं आजसू पार्टी का जो सोच है, जो युवाओं के प्रति जो वो चाहते हैं हमारे अध्यक्ष, मैं उनकी भावनाओं से, उनकी कार्यशैली से मैं मैंने प्रोत्साहित होता हूँ कि भाई टुंडी विधानसभा दादाजी ने चुना और टुंडी के लोग ने उन्हें विधायक बनाने का भी काम किया। उसके बाद पिताजी ने भी टुंडी विधानसभा चुना और जितना उनके कार्यकाल में जो काम हुआ है वो छुपा नहीं है, वो सब देखते हैं। तो अंततः मैं भी चाहूँगा कि जो बचा कुचा जितने भी कार्य रह गए हैं, हम अपना दादा का सपना को पूरा करें, अपने पिताजी का अधूरा सपना को पूरा करें, ताकि लोगों को ये लगे कि आज टुंडी विधानसभा के साथ विनोद बाबू का परिवार खड़ा है। कि वकील लोग जो है बहुत फीस लेते हैं, बहुत पैसा लेते हैं और गरीब आदमी 10 बार सोचता है कि हम कैसे काम कराएं, मगर मेरा कार्यालय आज भी निर्धनों के लिए खुला हुआ है। और एक मैं बताना चाहूँगा कि जो 2 साल पहले आपका सिंदरी में जो गोलीकांड या जो भी बोली, जो जिसमें बहुत सारे ग्रामीण लोगों को झूठा फंसाया गया था, हाँ है ना, तो उन सारे ग्रामीणों का मैं फ्री में केस लड़ा हूँ। और परसों ही 30 तारीख का एक ग्रामीण को जो है मैंने यहाँ से बेल कराया बिना किसी पैसे का, बिना किसी फीस का। देने वाला तो ऊपर वाला है, बस लोगों का आशीर्वाद मिले, लोगों को दिल में आप जगह बना सकें, यही मेन लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। नमस्कार जोहार। आज हमारे साथ जो शख्स हैं ये परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परिचय देना चाहूँगा। याद कीजिए वो दिन जब झारखंड के लिए आंदोलन हो रही थी, झारखंड की एक नींव गढ़ी जा रही थी, संघर्ष कई लोग कर रहे थे, उसी संघर्ष में एक नेतृत्व करता थे विनोद बिहारी महतो, जो नाम नहीं पूरे क्षेत्र में पूरे देश दुनिया में प्रचलित हैं। आज उन्हीं के वंशज, उनके पोताजी हैं, इनके पिताजी भी राजनीतिक और सामाजिक और झारखंडियत की बात करते आए और राजनीति में अच्छा पहचान बनाए। आज इनके पिताजी नहीं रहे, अब राजनीतिक बागडोर संभालने के लिए उनके सुपुत्र राहुल कुमार महतो जी, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, धनबाद कोर्ट में उन्हीं के ऑफिस में बैठे हुए हैं और चर्चा परिचर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव है और ये फिर से जिस तरह से स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो राजनीतिक सामाजिक और पेशे से वो वकील थे, आप जान ही रहते, अपना वंशज के जो समाज के प्रति रहा है समर्पित भावना, तो ये चाह रहे हैं कि हम भी उसी तरह से रहें। आज जानने का प्रयास करते हैं कि अपने जीवन में क्या कुछ संघर्ष किए और अपने दादाजी अपने पिताजी से क्या कुछ सीखे और समाज कल्याण में कितना समय दे रहे हैं। सबसे पहले जोहार है, जोहर देव बाबू, आप अपना सिंपल भाषा में अपना परिचय दे दीजिए ताकि जनता जान पाए। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं स्वर्गीय राजकिशोर महतो जी का छोटा बेटा हूँ। पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ और धनबाद न्यायालय में अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो मेरा ये जो पेशा में जो मेरे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो मेरे दादाजी विनोद बिहारी महतो जी हैं। उसके बाद उनके बाद जो हमारे जो इस पेशा को आगे लेके गए मेरे पिताजी स्वर्गीय राजकिशोर महतो जी, और अंततः मैं जो मेरा परिवार का जो एक पहचान है वकालत में, मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और विगत 18 साल से मेरा ये प्रैक्टिस अभी चल रहा है। वकालत का 18 साल से प्रैक्टिस चल चल रहा है जी। लोग ये सवाल करेंगे कि 18 साल से आप वकालत कर रहे थे, फिर से ही राजनीति में आप कदम रखने जा रहे हैं, आपके पारिवारिक जितने भी वंशज सब राजनीति में रहे हैं, सामाजिक में तो रहे ही, पढ़ो लड़ो की नारा देने वाले, शिक्षित आप भी हैं, एजुकेटेड है, तो राजनीति में आने का आपका उद्देश्य परिवार से मिला कि अपने मन में लगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इतिहास अगर उल्टेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े विद्वान, जितने भी राजनेता बने हैं, कहीं ना कहीं वो अधिवक्ता ही रहे हैं। चाहे आप महात्मा गांधी जी का ले लें, आज हमारे वो भारत के राष्ट्रपिता का दर्जा उन्हें मिला है। मेरे दादाजी पेशे से वो वकालत वकील थे और आज का दर्ज उनको जो दिया जाता है वो झारखंड के पितामह को दिया जाता है। और मेरे पिताजी स्वर्गीय राजकिशोर बाबू,
जो लोग सभी कहते थे कि इनसे विद्वान कोई नेता नहीं है और इनसे ईमानदार कोई नेता नहीं है, तो एक कड़ी तो मैं वकालत का मैं आगे लेके चल रहा हूँ, और जो दूसरी कड़ी थी जो समाज सेवा का, जो मेरे दादाजी ने शुरू किया था, उनके देहांत के उपरांत मेरे पिताजी ने उन्हें कायम किया, उनको आगे लेके गया और अलग राज्य की लड़ाई लड़कर अलग राज्य हासिल करने का जो उन्होंने जो अपना सब कुछ त्याग करके किया है, और विनोद बाबू का सपना को जो लेके आगे बढ़े हैं। तो अब अंततः जब मेरे पिताजी नहीं रहे तो हम उन लोगों को हम कैसे छोड़ सकते हैं जो एक आस लगा के बैठे हैं कि इस परिवार ने पूरा जीवन हमारे बीच में आके हमें सेवा दिया है, तो कहीं ना कहीं उस परिवार से अपेक्षा करते हैं कि हमारे बीच आए और हमारे पूरे समाज को लेके सेवा दें। तो आप अगर राजनीति में उतर रहे हैं तो झारखंड में कई अलग अलग जगह विधानसभा है और विनोद बाबू का पहचान पूरे राज्य भर में थी, तो राज्य भर में थी तो आप अपना किस्मत किस जगह पे आजमाएंगे? ऐसे वो आपके पिताजी तो हैं, वो टुंडी विधानसभा से रह चुके हैं विधायक, वहाँ सेवा दे चुके हैं, तो आप किस विधानसभा में जाना चाहेंगे, कहाँ आपको लोग देखना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कहा जाए कि पूरे झारखंड में विनोद बाबू एक पहचान के लिए कोई उनका वो नहीं है, सभी जानते सभी मानते, मगर विनोद बाबू ने टुंडी विधानसभा को ही क्यों चुना, एक ये प्रश्न चिन्ह आती है कि उन्होंने क्यों चुना, क्योंकि उन्होंने देखा कि इतने समाज के लोग जो किसी भी तरह से उन पे इतना शोषण हो रहा है, उनको उत्थान करने के लिए हमको अपना घर छोड़ के उनका घर को जो है जाना है, उन पे उनको स्वागत करना है और उनको उत्थान करना है, तो इसीलिए टुंडी विधानसभा दादाजी ने चुना और टुंडी के लोग ने उन्हें विधायक बनाने का भी काम किया। उसके बाद पिताजी ने भी टुंडी विधानसभा चुना और जितना उनके कार्यकाल में जो काम हुआ है वो छुपा नहीं है, वो सब देखते हैं। तो अंततः मैं भी चाहूँगा कि जो बचा कुचा जितने भी कार्य रह गए हैं, हम अपना दादा का सपना को पूरा करें, अपने पिताजी का अधूरा सपना को पूरा करें, ताकि लोगों को ये लगे कि आज टुंडी विधानसभा के साथ विनोद बाबू का परिवार खड़ा है। लेकिन जो विनोद बाबू ने सपना देखा था झारखंड को और झारखंड अलग किया, उनके एक उन्होंने एक पार्टी गठन किया था, कई नेशनल पार्टियों के साथ जुड़कर थे, उसके बाद वो सब छोड़ के एक राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनाया, अध्यक्ष थे, लेकिन अभी वो मान सम्मान नहीं रहा उस पार्टी में। फिर पिताजी आपके रहे हैं, वो आसू पार्टी जो एक युवा गर्म दल जो कहा जाता है, जिस तरह से देश आज़ाद में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का जो गुट चलती थी, एक गर्म एक नरम, ठीक उसी तरह से जो आसू गर्म दल थी, उस दल में आपके पिताजी चले गए हैं, वहाँ से चुनाव लड़े, और आप जो हैं, आप जो झारखंड आंदोलन में जिस तरह से भूमिका निभाई जेएमएम और आसू, तो आप किस पार्टी से फिर अपना चेहरा देख रहे हैं या फिर आप स्वतंत्र रहे हैं? देखिए, पिताजी हमारे आजसू पार्टी से विधायक रह चुके थे, और जब से पिताजी आजसू पार्टी से जुड़े हैं उस वक्त से मैं भी आजसू पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, और वर्तमान में मैं अपना सेंट्रल कमेटी का आजसू पार्टी में सदस्य भी हूं, और मैं आजसू पार्टी का जो सोच है, जो युवाओं के प्रति जो वो चाहते हैं हमारे अध्यक्ष, मैं उनकी भावनाओं से, उनकी कार्यशाली से बहुत प्रोत्साहित होता हूँ कि भाई चलो आज भी हमारे इस युग में ऐसे वैसे विजन वाले, ऐसे ऐसे सोच वाले लोग मौजूद हैं, और यही सोच मुझे इस पार्टी से जुड़ा हुआ रखा हुआ है, और इसी सोच से मैं कुछ आगे और करना चाहता हूँ। लेकिन युवाओं के लिए सुदेश महतो ने सोचा, युवाओं का टीम उनके साथ रहती थी और अभी भी युवा हैं उनके साथ, लेकिन फिर भी अभी युवाओं का एक और एक खेमा तैयार हो रहा है, तो उसमें भी कई लोग जो हैं संगठन में जुड़ रहे हैं लोग, और वहाँ अपने पार्टी की दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि नए युवाओं के साथ जाएं और नए युवाओं को एक दिशा दें, क्योंकि आप एक वकालत कर रहे हैं और नए युवा बेरोजगार अभी घूम रहे हैं, तो आप एक अच्छा मैसेज दे पाए? देखिए, जब भी आप देखिएगा, कभी भी चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का हो या हमारा विधानसभा का हो, ये आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चलते रहेगा कि भाई इन्होंने ये किया, इन्होंने गलत किया, इन्होंने ये किया। मैं जनता के बीच में किसी की आलोचना करने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं जनता के बीच में ये मैसेज देना चाहूंगा कि हम क्या किए हैं और हम आगे क्या करेंगे। अगर ये बात से अगर जनता प्रभावित होती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन भी मजबूत होगी, और हम लोग का जो भी एक जो
दिशा है, जो भी एक विजन है, कहीं ना कहीं जरूर कामयाब होगा। अंतिम में ये पूछना चाहेंगे कि आपके दादाजी का संघर्ष बताइए, आप देखे होंगे जब वो कर रहे थे अपने राजनीतिक करियर और सामाजिक करियर में, और अपने समाज के लोगों को, शिक्षा लोगों से मिलना, शिक्षा के लिए लोगों को आगे लेके जाना, किस तरह से उनका स्वभाव रहा है, आप बचपन में देखे होंगे। सबसे पहले शिक्षा प्रेमी थे, वो सबको जानता है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले जो भारत में जो नई शिक्षा नीति आई थी, जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, 1968 में पहली दफ़ा भारत सरकार ने सोचा कि यहाँ के लोगों के लिए पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा शिक्षा नीति लेके आए जिसमें लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और वही सोचिए कि विनोद बाबू का सोच देखिए, 1968 में शिक्षा नीति लागू करने की बात होती है भारत सरकार में, 10 साल पहले ही विनोद बाबू ने 1958 में बलियापुर हाई स्कूल में 50,000 रुपया वहाँ डोनेशन करके वो स्कूल बनाने का काम किया। तो ये सोच थी उनका शिक्षा के प्रति, जो राज्य सरकार नहीं सोच पा सकती थी, जो भारत सरकार नहीं सोचती थी, वो 10 साल पहले विनोद बाबू सोच के वो काम करके वो दिखा चुके थे। मतलब आपका ये कहना है कि जो एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार लाई, उससे 10 साल पहले विनोद बाबू ने अपनी शिक्षा के लिए काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि जो सोच उनके पास था, वो आज का डेट में अगर वो सोच अगर 1% या 2% भी वो लोग लेके चलेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा झारखंड जो है आज मैंने आसमान छुएगा सब जगह पे। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं वकील हूँ, आपके बारे में पहले भी मैं बोल चुका था कि मुझे वकालत से, भाई कोई बोलता नहीं कि अब तुम वकील क्यों बने, तो कोई तो तुम्हारा मार्गदर्शक होगा, कोई तो प्रेरणा स्रोत होगा। तो मैं बताना चाहूँगा विनोद बाबू के बारे में, यहाँ विस्थापित गांव था BSL, आप सब जानते हो कि कितने लोग विस्थापित हुए, बोकारो में कितना जमीन गया, सारा कुछ किया। तो उस समय बोकारो में ऑन रिकॉर्ड 10,000 वकालतनामा रैयतों का सिर्फ बोकारो जिला में उनका हस्ताक्षर करके किया गया है। और मेरा सौभाग्य देखिए, पहला भुगतान विनोद बाबू ने कराया, दूसरा भुगतान उसी केस में मेरे पिताजी ने कराया, और मेरा सौभाग्य है कि उसी केस में जहां विनोद बाबू का वकालतनामा है, राजकिशोर बाबू का वकालतनामा है, मेरा वकालतनामा फाइल करके मैंने तीसरा पेमेंट कराया। तो कहीं ना कहीं वकालत से एक प्रेरणा स्रोत मिलती है कि बोलते हैं ना कि पढ़ो और लड़ो जिनका नारा था, तो आपका पढ़ाई उस तरह से होना चाहिए कि कोई आपको ठग नहीं सके, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सके। और इसीलिए जब उन्होंने देखा कि इस दुनिया में वकीलों की ज़रूरत कभी ना कभी आगे भविष्य में पड़ेगी, तो उन्होंने 1971 में लॉ कॉलेज धनबाद निर्माण किया, और जहाँ हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं, यहाँ तक कि मैं भी उन्हीं का कॉलेज से पढ़ा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप वकालत किया, और अभी कितने लोगों का आपने कहा कि रैयतों को भुगतान करवाया, अपने दादाजी के बाद पिताजी, फिर तीसरा हम, लेकिन आप राजनीति में अगर उतरना चाह रहे हैं तो राजनीति में क्या कुछ ऐसा बदलाव करना चाहते हैं, टुंडी विधानसभा हो या राज्य में जाकर राज्य के ज्वलंत मुद्दों को लेकर विधानसभा में आप नियम कानून बनाना चाहते हैं, योजनाएं लाना चाहते हैं, तो कौन चीज़ ऐसे देख रहे हैं जो झारखंड में अभी भी परिपूर्ण नहीं दिख रही है? दो चीज़ झारखंड में, जो झारखंड को विकसित करेगा, जो झारखंड को आगे लेके जाएगा, वो शिक्षा है और वो स्वास्थ्य है। आज हमारे परवरिश जैसी भी हो, सभी की परवरिश ऐसी नहीं होती। आज गांव में भी देखिएगा, कहीं भी पानी के लिए बहुत तरह का दिक्कत होता है, खाने के लिए दिक्कत होता है, मगर कहीं अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसका खेत बाड़ी बिक जाता है, उसका घर बिक जाता है। तो मैं ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि जगह जगह जितने भी स्वास्थ्य केंद्र जो खुले हैं, वहाँ पर आधुनिक सामान, बढ़िया डॉक्टर हर रोज बैठें, और ऑपरेशन के लिए उनको रांची धनबाद नहीं जाना पड़े, बल्कि अपने ब्लॉक लेवल पे ही उस अस्पताल में काम हो और इलाज हो। राज्य सरकार, केंद्र सरकार कई स्वास्थ्य कार्ड, अबुआ स्वास्थ्य कार्ड या फिर ये केंद्र सरकार भी ला चुकी है, गांव मोहल्ला में स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, शिक्षा के लिए गाँव मोहल्ला में तो प्राथमिक नौ प्राथमिक विद्यालय हैं, तो फिर सब तो व्यवस्था दी गई है। व्यवस्था दी गई है, ठीक है, मगर उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से चालू करना ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। हमने एक कॉलेज खोला, उस कॉलेज में विद्यार्थी आ रहे पढ़ने के लिए, अगर शिक्षक पढ़ाएगा नहीं तो ये गलती कहीं शिक्षक के ही होती है कि आपके छात्र जो
पैसा लगा के आपके पास कुछ शिक्षा ग्रहण करने आए हैं और वो शिक्षा आप नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमजोरी शिक्षक की होती है। उसी तरह से अगर आप कोई चीज़ खोलते हैं, खोलने से पहले वहाँ विधिवत व्यवस्था करिए ताकि वो खुले, सुचारू रूप से चले और अंततः अंत तक वो चले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। वैसे अभी आपका राजनीतिक और सामाजिक में किस तरह से वकालत के अलावा? देखिए, वकालत भी एक बहुत बड़ा समाज सेवी का काम होता है। आप यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो आप देखते होंगे कि वकील लोग जो है बहुत फीस लेते हैं, बहुत पैसा लेते हैं, और गरीब आदमी 10 बार सोचता है कि हम कैसे काम कराएं। मगर मेरा कार्यालय आज भी निर्धनों के लिए खुला हुआ है। और एक मैं बताना चाहूँगा कि जो 2 साल पहले आपका सिंदरी में जो गोलीकांड या जो भी बोली, जो जिसमें बहुत सारे ग्रामीण लोगों को झूठा फंसाया गया था, है ना, तो उन सारे ग्रामीणों का मैं फ्री में केस लड़ा हूँ। और परसों ही 30 तारीख का एक ग्रामीण को जो है मैंने यहाँ से बेल कराया बिना किसी पैसे का, बिना किसी फीस का। देने वाला तो ऊपर वाला है, बस लोगों का आशीर्वाद मिले, लोगों को दिल में आप जगह बना सकें, यही मेन लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। बाद बाकी तो सर आपका कार्य बताएगा। और क्षेत्र में दौरा अभी चल रहा है? हाँ, क्षेत्र में तो देखिए होता क्या है कि जब लोग बुलाएंगे हम लोग जाते हैं। चाहे वो सुबह अगर बोले तो हो सकता है कि 1 घंटा हम पहले भी पहुंच जाए, पिताजी की तरह कि 10 बजे समय दिए हम 9 बजे पहुंच जाए, मगर जाना हम छोड़ते नहीं है। क्योंकि कोई किसी से आस लगाता है तो उस आस को हम लोग को छोड़ना नहीं है, उसको लेके बढ़ना है, ताकि जो पुराना सपना था कहीं ना कहीं ऊपर बैठे विनोद बाबू, राजकिशोर बाबू देख रहे हैं कि मेरे जाने के उपरांत भी वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। चलिए, ये हैं राहुल कुमार जी जो कि विनोद बाबू के पोते हैं और ये राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में अपनी कदम रखने जा रहे हैं। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र में NDA में किसके खेमे में जाती है टिकट। अगर आसू को जाती है तो आसू के प्रबल दावेदार हैं राहुल कुमार जी, जो कि सामाजिक और जिस तरह से इनके परिवार का जो कार्य रहा है वो कहना हमारे तरफ से नहीं है, पूरे राज्य के लोग जानते हैं कि क्या कुछ रहा इन लोगों के ओर से, राज्य के प्रति क्या समर्पित रहे हैं, जनता के क्या प्रति समर्पित रहे हैं। बाकी आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देव बाबा को देना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको जो है आप बता रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये कार्य आप कभी बंद नहीं करें। कम से कम एक संदेश जो है लोगों के बीच में आप फैलाएं, और हम यही आपसे ऊपर वाले से प्रार्थना भी करेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आप अपना समय निकाल के आप आज यहाँ पर आए।